गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड। आप सभी अभी दूसरी कक्षा में हो और अभी हमारा पीरियड है हिंदी का, जो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगता है ना? हाँ, तो बच्चों इससे पहले हमने बड़े की मात्रा की पहचान की थी, ठीक है? सभी को अच्छी तरीके से ध्यान में आ रहा है? हाँ, तो यह है हमारे बड़े की मात्रा, इसकी पहचान हमने की हुई है, ठीक है बच्चों? तो यह हमारा लेसन नंबर है सी, हमारा पाठ क्रमांक है 6, ठीक है? इसकी पढ़ाई हमने इससे पहले की हुई है। कायू नाम के भालू की एक कहानी भी सुनी थी, है ना? मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। हाँ ठीक है, तो इस कहानी के ऊपर कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं और यही आज हमारा अभ्यास है, ठीक है बच्चों? तो आपको आप सभी इधर ध्यान दे दो। तो बड़े की मात्रा में से हम आज क्या करने वाले हैं? अभ्यास। कालू भालू इस कहानी के ऊपर ये सभी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है? तो हमारा सवाल क्या है, अच्छे से पढ़ो, इधर ध्यान दो सभी। हाँ, सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखो। सही शब्द चुनकर खाली जगह में लिखो, यानी कि हमें क्या करना है? अच्छे से जो योग्य है यानी कि जो सही शब्द है उसका चयन करना है और उसको हमें फिर इन द ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, पढ़ो मेरे साथ। आलू, लालू, कालू, दुम दबाकर और मुनी, ये इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों में हमें जो सही शब्द है वही लिखना है, ठीक है? तो पहला हमारा जो सवाल है वो क्या है, देखो, भालू का नाम क्या था? भालू का नाम क्या था आपको मालूम है? हाँ, भालू का नाम कालू था। तो भालू का नाम क्या था? कालू। तो ये कालू जो शब्द है वो हमें लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे यह कालू है क्या शब्द? नहीं, ये है क्या? नहीं, तो ये शब्द क्या है? कालू। तो हम इसके नीचे ऐसे छोटी सी टिक करेंगे और ये शब्द देखकर यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे करेंगे अंडरलाइन, ठीक है? उसके बाद का हमारा वाक्य क्या है, देखो, भालू क्या क्या खाता था? भालू क्या क्या खाता था मालूम है आपको? हाँ, भालू आलू व मूली खाता था, यानी कि यहाँ पे कितनी खाली जगह है? यहाँ पे दो खाली जगह है, ठीक है? तो यहाँ पे पहला शब्द है आलू और लाल, ये नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला, उसके बाद आने वाला है मूनी शब्द, ठीक है? यहाँ से हम यहाँ पे थोड़ी सी टिक करेंगे और ये शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे हम करेंगे अंडरलाइन, ठीक है? तो हमारा सवाल का जवाब क्या है अभी बताओ? भालू आलू व मूली खाता था, ठीक है? उसके बाद हमारा तीसरा सवाल है, किसान का नाम क्या था? किसान का नाम क्या था जो भालू को पकड़ पकड़ने के लिए दौड़ रहा था? हाँ, तो किसान का नाम लालू था। तो यह लालू शब्द यहाँ पे है, तो यहाँ पे टिक करेंगे और लालू शब्द हम यही लिखेंगे और उसके नीचे करेंगे अंडरलाइन, ठीक है? उसके बाद हमारा
दबाकर, ठीक है? हाँ बच्चों, तो ये खाली जगह आपको अच्छे से पेंसिल से लिखनी है। तो आपके पास पेंसिल है? हाँ, तो आपको यह खाली जगह जो आपके किताब में है वहाँ पे लिखनी है, और आपके नोटबुक में भी यह सब अच्छे से लिखना है, ठीक है? हाँ, इसके बाद का सवाल है, दूसरा सवाल, पेंसिल फिराओ शब्द पूरे करो, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेस एंड राइट। आपको आपके पेंसिल का इस्तेमाल करना है अच्छे से, और ये इसको ट्रेस करना है, बहुत ही आसान है ना? हाँ, उसके बाद है, जिन चित्रों के नाम में उ की मात्रा आती है, किस मात्रा, बड़े उ की मात्रा, हाँ, उन सभी का निशान लगाओ, उन पर सभी का निशान लगाओ, यानी कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ठीक है? तो इन चित्रों को पहले आपको पहचानना है, और पहचानने के बाद उस शब्द में यदि बड़े उ की मात्रा आती है, इस तरह से आती है, तब भी आपको उस पे सही का निशान लगाना है, ठीक है? नहीं तो नहीं लगाने का। हाँ, तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच और छह चित्र दिए हुए हैं, और इसी बॉक्स में है, आपको सही का क्या करना है, निशान लगाना है, ठीक है? अभी पेज टर्न करो अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारा चौथा सवाल। तो चौथा सवाल हमारा क्या है, देखो, चित्र देखकर नाम लिखो, बहुत ही आसान है, एक, दो, तीन, चार, खाली चार ही चित्र है, और उनको पहचान कर, उन चित्रों को पहचान कर उनके नाम आपको लिखने हैं। हाँ, उसके बाद हमारा है पांचवा सवाल, क्या है, रंगीन वर्ण पर छोटे उ या बड़े उ की मात्रा लिखो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ रंगीन वर्ण दिए हुए हैं, तो ये रंगीन वर्ण कौन से हैं, र है, कौन सा वर्ण है, र, और मैंने आपको बताया है कि छोटे उ की मात्रा र वर्ण को कैसे लगती है, और बड़े वर्ण की मात्रा भी र वर्ण को किस तरह से लगती है, लगती है ना? हाँ, तो आपको मालूम है, तो आपको यह र को क्या करना है, छोटे उ की मात्रा या बड़े उ की मात्रा, इनमें से एक ही मात्रा आपको लगानी है जो सही है, ठीक है? और यहाँ पे जो खाली जगह है वहां पे आपको यह पूरा शब्द लिखना है, मात्रा लगाकर पूरा शब्द लिखना है, ठीक है? हाँ, और उसके बाद आती है एक्टिविटी की बारी। हाँ, जो मेरे बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है ना? हाँ, तो यही हमारा लास्ट यानी कि यह सवाल है। चलो देखो, हमारा यह सवाल, रंग बिरंगी ऊन चिपकाकर ऊन को सजाओ। तो रंग बिरंगी ऊन यानी कि क्या, ऊन यानी कि क्या होता है, हाँ, मराठी में उसको हम क्या कहते हैं, लोकर, हाँ, जिससे माँ क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है ना? तो आपके घर में माँ के पास रंग बिरंगी की ऊन होगी, हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फूल दिया हुआ है, कैसा चित्र है ये, फूल का, हाँ, तो इस फूल को आपको अच्छे से ऊन चिपका कर, यानी कि लोकर को यहाँ पे पेस्ट करना है, फेविकॉल लगाकर अच्छे से यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पर चिपकानी है, ठीक है? तो यहाँ जो फूल है उसको कई सारी पंखुड़ियाँ हैं, हाँ, तो इसमें आपको अच्छे से ये पेस्ट करना है, और नीचे ये दो पन्ने हैं, पत्ते, ठीक है? तो उनको भी आपको ऊन चिपकानी है, लेकिन इन पत्तों को किस कलर की ऊन आएगी, हरे रंग की। हाँ, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, और उन्हें मालूम है कि जो पन्ने होते हैं यानी कि पत्ते होते हैं वो किस कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर के, ठीक है?
अच्छे से बढ़िया गाना दिया हुआ है। तो ये गाना क्या है देखो, आजादी की धूम। हाँ, तो इस आजादी की धूम यह कविता जो है वो आपको अच्छे से गाकर मम्मी को सुनानी है। अब प्रयास तो करो अच्छे से यह पढ़ने की प्रयास करो, ठीक है। और यह आपका होमवर्क है कि ये आपको अच्छे से गाना गाना है और स्कूल में आने के बाद मुझे भी सुनाना है। हाँ, तो आजादी की धूप यह कविता आपको अच्छे से क्या करनी है, गाकर मम्मी को सुनानी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो पढ़ाई हमारी हो गई है, पेज नंबर 41 तक। हाँ, तो इसके बाद हमारी बारी आती है वर्कशीट की। तो वर्कशीट तो हमारी बहुत ही आसान है ना। हाँ, तो बच्चों मुझे बताओ हमारे स्कूल का नाम क्या है, किसको मालूम है? हाँ, सभी को मालूम है, अच्छी बात है। तो मैं अभी आपको वर्कशीट पढ़कर दिखाती हूँ, ठीक है। तो हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के। और आप सभी कौन से क्लास में हो, दूसरी कक्षा में हो, दूसरी क्लास में हो, ठीक है। हाँ, और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो वर्कशीट है वो है 10 मार्क की। तो किसको 10 मार्क चाहिए, सभी को चाहिए। हाँ, और आपको और भी मैं 10 मार्क्स भी देने वाली हूँ और बड़ा स्टार भी देने वाली हूँ। तो किन बच्चों को स्टार चाहिए? हाँ, सभी को चाहिए ना। हाँ, तो यह जो वर्कशीट है यह आपको अच्छे से पेंसिल से छुड़ानी है, ठीक है बच्चों। तो हमारा यह घटक कौन सा है, यानी कि हमारी वर्कशीट किस घटक पे है? बड़े की मात्रा। हाँ, जिसकी पहचान हमने अभी की हुई है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए यानी कि क्या करेंगे हम, मैच द पेयर्स। हाँ, जिसको मराठी में बोलते हैं जोड़ा लगाओ और इंग्लिश में बोलते हैं मैच द पेयर्स, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहला शब्द है चूहा, उसके बाद है रुपया, उसके बाद है सूरज, रुई और यहाँ पे है फूल। और इन पांच जो शब्द है ये पांच चित्र अलग अलग से दिए हुए हैं, लेकिन ये जंबल किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको चूहा किधर है यह देखकर अच्छे से उसका मिलान करना है। और ये करते समय आपको ये स्केल का इस्तेमाल करना है, जैसे हाथ से टेढ़े टेढ़े हम नहीं जोड़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं, है ना। तो हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको हमारा दूसरा सवाल दिखाई देगा। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, चलो पढ़ो मेरे साथ। नीचे लिखी कविता में बड़े की मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाओ, यानी कि यहाँ पे एक कविता दी हुई है और ये कविता आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और इस कविता में जहाँ जहाँ पे बड़े की मात्रा है उस पर आपको गोला बनाना है पेंसिल से, ठीक है। हाँ, तो ये कविता मैं अभी आपको पढ़कर सुनाती हूँ। भालू आया, भालू आया, भालू वाला भालू लाया, आलू मूली साथ लाया, भालू वाला भालू लाया, डमरू बजाता डम डम डम, भालू नाचा छम छम छम। अच्छी है ना कविता। हाँ, तो इन शब्दों में जहाँ पर बड़े रूप की मान्यता है वहां पर आपको क्या बनाना है, पेंसिल से गोला बनाना, ठीक है बच्चों। तो आज हमारी बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है और बड़े रूप की मान्यता का हमने अच्छे से अध्ययन भी किया हुआ है। आप अभी बड़े रूप की मात्रा के आसानी से पहचान कर सकोगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी आप घर में रहो, सुरक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई भी करो, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।